दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां खुद देवी माँ अपनी अदालत लगाती हैं, जिन लोगों को कहीं इंसाफ नहीं मिला वो लोग वहां आते हैं, पर्चियों में अपनी अर्जी दर्ज करते हैं, माता को देते हैं। वो पर्चियां माँ के पास रखी जाती हैं, रात में दरवाजा बंद होता है और फिर सुबह जब कपाट खुलता है तो हर झगड़े हर विवाद का हल और अपना निर्णय माँ सुना चुकी होती हैं। कहते हैं देवी माँ वहाँ सच्चे लोगों के हक में फैसला सुनाती हैं और कपटियों को दंड भी देती हैं। लेकिन देवी कैसे इशारा करती हैं, कैसे इंसाफ की ये प्रक्रिया होती है, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी देखिएगा। देवी भगवती को समर्पित ये मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेस चौकोड़ी के करीब कोटमन्या मार्ग से 17 किलोमीटर की दूरी पर कोटगाड़ी नाम के एक गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोटगाड़ी मूलतः यानी कि ओरिजिनली जोशी जाति के ब्राह्मणों का गांव था। एक दौर में माता कोटगाड़ी यहां स्वयं प्रकट हुई थी और यही रहती थी तथा न्याय भी देती थी। देवत्व के लिए प्रसिद्ध इस देवभूमि के कोटगाड़ी ग्राम में कोकिला देवी एक ऐसी देवी है जिनके दरबार में न्यायालय से मायूस हो चुके लोग आकर न्याय की गुहार लगाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो फैसला कोर्ट में भी नहीं हो पाता वह माता के दरबार में बिना वकील के हो जाता है। विरोधी दोषी हुआ तो उसे बेहद कड़ी सजा दी जाती है। पिथौरागढ़ पांखू यानी बेड़ी नाग में स्थित माँ कोकिला के मंदिर को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है। लोग आपसी विवाद लड़ाई झगड़े के मामलों में न्यायालय में ना जाने के बजाय माँ के दरबार में ले जाना पसंद करते हैं। मंदिर में सादे कागज में चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई जाती है। मंदिर में टंगी असंख्य अर्जियां इस बात की गवाही भी देती हैं। लोग तो जंगलों की रक्षा के लिए 5-10 वर्ष तक जंगल माँ कोकिला को चढ़ा देते हैं। बेहद रमणीक स्थान पर स्थित माँ कोकिला के दरबार के चाहने वाले देश और दुनिया में हजारों नहीं करोड़ों लोग हैं। उत्तराखंड की पावन धरती में भगवान शंकर सहित 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को इसी भूमि पर ही पधार कर धन्य मानते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड में उत्तराखंड के तीर्थों जैसी अलोक और दिव्यता कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में शक्ति पीठों की भरमार है। सभी पावन दिव्य स्थलों में से तत्कालिक फल की सिद्धि देने वाली माता कोकिला का मंदिर भी इसी जगह पर ही अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इस मंदिर में फरियादों के असंख्य पत्र न्याय की गुहार के लिए लगे रहते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु जन डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजकर अपनी मन्नत मांगते हैं। पर भी माता को पत्र लिखते हैं और समय से या फिर मैया के आदेश पर माता के दर्शन करने के लिए भी पधारते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा भारत देश एक दिव्य देश है और यहां पर भगवान का वास भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस मंदिर के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप भी माता के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनके हमें कृतार्थ से भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।